मीडिया पर रील बनाने और उसे प्रचारित करने में अंतर को समझने के लिए बीकानेर पुलिस ने एक महत्वपूर्ण कार्रवाई की। रील में खुद को शेरनी और प्रधान बताने वाली एक युवती को पुलिस ने दस्तियाब किया। इस मामले में एसपी तेजस्विनी गौतम ने स्पष्ट किया कि कानून सबके लिए समान है, चाहे वो शेरनी हो या फिर प्रधान हो, कानून का पालन तो सभी को करना होगा। पुलिस ने युवती को सुधरने का मौका भी दिया। रीलगढ़ ने भी माना कि नशे का प्रचार करना गलत है और भविष्य में इस तरह की गतिविधियों से दूर रहने का वादा किया। एसपी तेजस्विनी गौतम ने कहा कि पुलिस सोशल मीडिया के बजाय कानून के अनुसार काम करती है। उन्होंने युवाओं से अपील की कि वे अपने सोशल मीडिया टूल का सकारात्मक उपयोग करें। इस मामले पर मोनिका राजपुरोहित और एसपी तेजस्विनी गौतम से लक्ष्मण राघव ने खास बातचीत की। बीकानेर में पिछले कुछ दिनों से रील प्रकरण खासा प्रसिद्ध हुआ, सुर्खियों में रहा। उसके नकारात्मक और सकारात्मक दोनों तरह की बातें होने लगी थी। कार्रवाई हुई थी, कानूनन हुई थी, पुलिस ने कार्रवाई की थी। लेकिन अब जो एमपीआर दर्ज हुई उस पर भी पुलिस ने कार्रवाई की है और ये जो गर्ल है उसको दस्तयाब कर लिया गया है। वो इस वक्त हमारे साथ हैं, उनका नाम है मोनिका। मोनिका राजपुरोहित, मोनिका आपकी अच्छी फैन फॉलोइंग है, अच्छी बात है, इंस्टा पे आप इतने फेमस हैं, सो वेरी गुड। लेकिन क्या नहीं लगता आपको कि इस टूल को आप पॉजिटिव यूज करें, आपको लोग देख के अगर इतना नकल कर रहे हैं, कुछ सीखें, कुछ ऐसी चीज हो जो एक संदेश जाए, और आपको जो आज ये फेस करना पड़ रहा है उसके बजाय आपको सोसाइटी में इस तरह से पेश होना पड़े कि हाँ कि आपको बहुत अच्छी बातें बता रही हूँ सोसाइटी, नहीं लगता मन में आया जब ये सारा घटनाक्रम चला? तो वो तो है माना, पर उनने मेरे को इस चीज के लिए पर वो नहीं, आपको लगा ये बात लगी कि हाँ ऐसा होना, अच्छी बातें हो तो ज्यादा अच्छा रहेगा? अच्छी बात वो बात नहीं अच्छी लगती है कि ये चीज अच्छी नहीं लगती है, पर मेरी भी मजबूरी थी तो मैंने डाला। मैं ये बोलना चाहती हूँ जो ये डाल रहे हैं या हथियार के साथ शूट का है तो उसके नीचे लिखा जाए कि शूट है या अमल की जगह गुड़ है, वो सारा कुछ लिख के डालो। ऐसे तुम मत प्रमोट करो कि ये नशा। अब आप चलिए, जो हुआ बीती कहते हैं ना, गलतियां हो जाती हैं। अब आप क्या संदेश देना चाहती हैं ईमानदारी से, वास्तव में कुछ चीजें बदलना चाहती हैं? जैसे आपने कहा कि उसके नीचे लिख दिया जाए, शूटिंग तो फिल्मों में होती है, एक बात आपकी, उसके नीचे लेकिन लिख दिया जाए, ऐसा कुछ संदेश देना चाहेंगी आप? मैं ये बोलना चाहती हूँ कोई भी बच्चा है वो इस चीज की रील्स मत डालो, क्यों फायदे के लिए नहीं होती है, वो हानिकारक ही है अपने लिए। तो आप मानती हैं चीजें बढ़िया होनी चाहिए? नेक्स्ट टाइम सुधारो। और एक ये चीज आप पहचान, मीडिया वाले सारे बीकानेर शेरनी कर रहे थे, वो बीकानेर शेरनी और गर्ल में दोनों में पहचान करो, और एक फोटो किसी की लगा रहे, नाम किसी के लगा रहे, वो चीज आप करना कम करो कि जिसका है उसे। सलाहें आप खुद दे रही, कुछ खुद पे भी लागू कर ले बहुत अच्छा रहेगा, अच्छी बात है। जो भी गलतियां करें सुधारें, उसमें क्या है नहीं, जो है वो चीज को सुधार में लाओ और नेक्स्ट टाइम से ऐसी गलती कोई भी मत करो। तो अब आप जो है रील्स वगैरह डालेंगी उसमें कुछ संदेश भी होंगे क्या सकारात्मक? यस होंगे। आप ये तो मानती है ना कि ये अफीम या इस तरह की, भले ही वो नहीं था, क्या था वो जांच का विषय है, पुलिस जाने, लेकिन अगर ये चीज होती है तो जो टीनेजर्स बच्चियां हैं, आपकी भी बहन होंगी, रिश्तेदार होंगी, वो भी कहीं ना कहीं ऐसे गलत चीजें आ जाती हैं। उस चीज की मानती हूँ मैं, गलत आती है, पर वो चीज मत करो, मैं तो यही कहना चाहती हूँ। उसके बाद में आप चीज करते हो वो आपकी फिर पुलिस देखेगी, फिर आप मत बोलना कि हमको ये चीज है वो चीज है। इसलिए अभी आपकी मुझे, मैं जब आया तो यहाँ पर बहुत सारे मीडिया कर्मी भी थे, तो पुलिस एसपी भी शायद बात कर रही थी, तो क्या कुछ पॉजिटिव बात हुई, कुछ चीजें हुई? यस पॉजिटिव बात हुई, मैम ने अच्छे से समझाया, मैंने वो चीज़ कवर, और सर ने मेरे साथ पैसे हुए, पर एक चीज़ बहुत गलत की थी, मेरे को वॉशरूम में ले जाके मारा, वो अलग बात है, वो बात गलत है। तो गलतियाँ कुछ हो गई उसके चलते नहीं करना चाहिए था, गैर कानूनी कुछ भी नहीं होना चाहिए, हम इस बात को मानते हैं और आपके साथ हैं इस मामले में, लेकिन ये ना हो ये भी जरूरी है। अब नेक्स्ट टाइम जो भी होगा मैं सर के पास और मैम के पास आऊंगी। चलिए, तो देखिए एक बात समझाने की थी, समझने की थी कि रील और रियल में फर्क है। आप रील की दुनिया में आकर अपने रियल को खराब मत कीजिए। फर्स्ट इंडिया न्यूज़ की भी यही अपील है, आप जो भी करें सोच समझ के कीजिए, क्योंकि ये जो साधन है ये अच्छी चीज़ों के लिए है, सूचनाओं के लिए है, इसमें अगर आप ऐसा कुछ करेंगे तो गलत होगा। अब हम चलते हैं, कोशिश करते हैं एसपी से भी बात कर लें। आवाम निश्चित तौर पर ही पूरा घटनाक्रम हुआ और आपने जिस तरह से डील किया, चूँकि एमपीआर के बाद दस्तियाब हो गई है, बच्ची भी कुछ कह रही है, वो भी सुनाई होगा आपने, अब पुलिस किस तरह से आगे बढ़ रही है, क्या कहेंगे? देखिए, एक केस तो है जो घर पे कॉन्ट्रैबैंड आइटम या एनडीपीएस मिला है सर्च के दौरान, वो अंडर इन्वेस्टिगेशन है, डेफिनेटली उसके एविडेंसेस हैं, प्रूफ्स हैं। अगर किसी का कोई भी ऐसा कहना है कि भाई हमारे पास अलग एविडेंसेस हैं, तो वो भी आके आ जाएंगे, एविडेंस और अनुसंधान इस पर्टिकुलर पॉइंट पे हो जाएगा। और जहाँ तक की बात है एमपीआर की, जो एक मिसिंग पर्सन रिपोर्ट दर्ज हुई थी, वो आज सकुशल युवती को दस्तयाब कर लिया गया है, इनके बयान देकर इनके माता पिता को उनको सपोर्ट कर दिया जाएगा। चलिए शुक्रिया। कुछ चीज़ें और भी हुई पुलिस पर, कुछ तरह इस तरह के आरोप लगे, हालांकि वो खुद भी मान रही है कि भाई उस वक्त वो घबरा गई थी तब लगा था, तो क्या मतलब आप इस पूरे प्रकरण से एक सीख पुलिस को भी मिल गई कि नहीं? मुझे लगता है पुलिस सोशल मीडिया के लिए काम नहीं करती है,
और जो इस पूरे प्रकरण में जितनी भी ये युवतियाँ इन्वॉल्व थी, इनकी ज़िंदगी सोशल मीडिया से शुरू होकर सोशल मीडिया पे ही ख़त्म हो गई थी। और आज ये बहुत अच्छा मुद्दा एक आप लोगों ने भी उठाया, और आपके माध्यम से मैं सभी को कहना चाहूँगी कि रील लाइफ और रियल लाइफ में फ़र्क करना सीखें, साथ ही साथ सोशल मीडिया का रिस्पॉन्सिबल यूज़ हो, ये भी जिम्मेदारी हमारी ही है। अगर हमारा अकाउंट है तो हम ये नहीं कह सकते कि ये तो मैंने किसी के ज़बरदस्ती कहने पर अपलोड कर दिया था, या मैंने अनजाने में अपलोड कर दिया था, मुझे पता नहीं था कि इसको अपलोड नहीं करना है। क्योंकि आप कोई भी अफवाह, कोई भी झूठी बात, कोई भी ड्रग्स को प्रमोट करने वाली रील, कोई भी आर्म्स के साथ किसी को डराने धमकाने वाली रील अगर डालते हैं, सोशल मीडिया पे पोस्ट करते हैं, तो वो एक कानूनन अपराध है और लीगल कार्रवाई पुलिस तो करेगी। चलिए शुक्रिया। कोई संदेश यूथ को देना चाहते हैं, क्योंकि इंस्टा और ये बहुत अभी बाढ़ सी आई हुई है। मैं बिल्कुल यही कहूँगी यूथ को आपके माध्यम से कि सोशल मीडिया का यूज़ करें, सोशल मीडिया को आपको यूज़ ना होने दें, तो उसका रिस्पॉन्सिबल यूज़ आप लोग करें, क्योंकि जिम्मेदारी अंततः उस सोशल मीडिया यूज़र की है। और कानूनी प्रावधान का पालन करना, कानून के दायरे में रहकर कानून व्यवस्था को बचाना और बनाए रखना, ये पुलिस की जिम्मेदारी है और पुलिस लगातार इस पर काम करती रहेगी। देखिए, बिल्कुल बहुत अच्छी बात कही है कि आप उसके यूज़ उसको कीजिए, आप उसके यूज़र मत बन जाइए, ऐसा ना हो। और देखिए, मुझे लगता है गलती किसी से भी हुई हो, सुधरने का मौका देना चाहिए, ऐसा क्रिमिनल कोई भी नहीं होता। मुझे लगता है इस पूरे प्रकरण में जिस तरह से काउंसलिंग एसपी ने की है, खुद वो बच्ची जो सामने आई है, उसने जो कुछ गलतियां मानी हैं, कुछ बातें कही हैं, तो मुझे लगता है ये बात समझनी चाहिए। और ये खबर इसीलिए इम्पोर्टेंट भी है उन युवाओं के लिए भी और इन्फ्लुएंसर्स के लिए भी जो रील्स बनाते हैं। सावधानी बरतें, आप समाज में अच्छी चीज़ों के लिए काम कीजिए, निश्चित तौर पर फॉलोवर और बढ़ेंगे, और फॉलोवर के चक्कर में आप अपनी ज़िंदगी को पुलिस तक मत लाइए, शिक्षों के पीछे ना ले जाइए, ये बेहद ज़रूरी है। कैमरा पर्सन अजीम भुट्टा के साथ लक्ष्मण राघव, फर्स्ट इंडिया न्यूज़, बीकानेर।